होंडा NX500 को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है और ये एक एडवेंचर टूरर टाइप की बाइक होने वाली है 500 सीसी सेगमेंट में और इसमें मिलने वाली है 47 bhp। और भी जानेंगे इस बाइक के बारे में, लेकिन क्या ये बाइक इंडिया में कोई सेंस बनाती है या नहीं, वो आप सबसे पहले नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये सेगमेंट की जो बाइक है, मतलब NX500, ये एक ADV सेगमेंट की बाइक है और इसमें आप मेनली टूरिंग कर सकते हैं और थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, मतलब एक एडवेंचर टूरर टाइप की बाइक आप बोल सकते हैं। डायरेक्ट अगर कंपटीशन की बात किया जाए तो बेनेली TRK 502 और कावासाकी वर्सेस 650 और उसके साथ साथ सुजुकी वीस्ट्रम 650 भी है इस बाइक की कंपटीशन। ये बाइक कुछ ही दिन पहले ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च भी हो चुकी है और प्राइसिंग की अगर बात किया जाए तो ये थोड़ा बहुत अपर साइड में है, क्योंकि इस बाइक की एक शोरूम प्राइस है 5,90,000 रुपीज़, जो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही है। की फीचर्स की अगर बात किया जाए तो इस बाइक में मिलती है अपसाइड डाउन फोक्स, जो अभी के टाइम में थोड़ा बहुत नॉर्मल ही हो चुका है, और पीछे मिलता है 7-स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। उसके साथ साथ इसमें एक 5-इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाती है जो बहुत ही अच्छी खासी क्वालिटी के साथ आती है। उसके साथ साथ ये TFT यूनिट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक कंट्रोल, नेविगेशन, ये सब चीज़ इसमें मिल जाएगा। NX500 में मिलती है 471cc पैरेलल ट्विन इंजन और ये लिक्विड कूलिंग के साथ आती है। 47 bhp पीक टॉर्क मिल जाती है जो आती है 8500 rpm में, और 43 Nm की पीक टॉर्क भी मिल जाती है जो आती है 6000 rpm में, मतलब 6500 rpm में। 6-speed गियरबॉक्स, स्लिपर क्लच, उसके साथ साथ 180+ km/h की टॉप स्पीड मिल जाती है इस बाइक में। लुक के मामले में अगर देखेंगे तो ये बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और इसका स्पीड तो आप देख ही चुके हैं, और लुक्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मॉडर्न है, सब कुछ LED सेटअप में मिल जाता है, टेल लाइट, हेडलाइट, इंडिकेटर्स, राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही सीट में सफिशियंट जगह है, मतलब स्पेस की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगा, और इस बाइक को लेकर आप कहीं पे भी टूर कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जगह मिल जाता है बाइक के नीचे और ऊपर में भी, इसका मतलब थोड़ा सा टॉल बॉय फिगर इस बाइक में दिया गया है, मतलब अगर आपका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इस बाइक को बहुत ही कंफर्टेबली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको चला सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा खासा दिया गया है इस बाइक में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ सबके दिमाग में आएगा वो है प्राइस पॉइंट को लेकर। इस बाइक का जो प्राइस है, मतलब 5,90,000 रुपीज़, ये थोड़ा अपर साइड में ही है और एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है बाकी सारे बाइक्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे। और जो पावर प्रोडक्शन इस बाइक से होती है वो भी अगर देखेंगे तो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता है। अभी के टाइम में अगर KTM को देखेंगे, KTM एडवेंचर 390 या फिर जो नई वाली हिमालयन आई है हिमालयन 450, जहाँ पे भी एक 472cc की इंजन मिल जाती है और वो भी है एक सिंगल सिलेंडर इंजन, लेकिन वो सब बाइक में जितना पावर मिलता है इस बाइक में भी लगभग सेम टाइप का ही पावर मिलता है, उतना ज़्यादा कुछ खास अलग नहीं है इस बाइक में कुछ भी। लेकिन एक चीज़ जो इस बाइक में है और बाकी सारे बाइक में नहीं है वो है एक एक्स्ट्रा सिलेंडर, मतलब यहाँ पे ट्विन सिलेंडर होने के कारण ये इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये बाइक आती है होंडा की तरफ से तो इंजन अच्छा होना ही था, तो एक सिंगल सिलेंडर अलग से होने में जो एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है वो है पावर तो वही सेम ही मिलेगा, लेकिन वो आएगी बहुत ही कम्फर्टेबल वे में। तो ये सब चीज़ को अगर मिला के देखा जाए तो फिर भी थोड़ा बहुत प्राइस इसमें ज़्यादा ही है। ये बाइक अगर 1,00,000 या फिर 70-80,000 रुपीज़ कम में इंडिया में लॉन्च होती तो शायद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकती थी, लेकिन प्राइस को दिमाग में रखते हुए शायद उतना ज़्यादा कुछ खास पॉपुलर नहीं होगा। आपको अगर अलग कुछ लगता है या फिर आप क्या सोचते हैं इस बाइक के बारे में, ये हमें ज़रूर बताइए नीचे कॉमेंट में, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।